इस वीडियो को देखकर आप भी सहम से गए होंगे। कोरोना काल में स्कूलों की मनमानी के चलते मानो ये मासूम बच्चे पिस रहे हैं, जिसके बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीसों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने स्कूलों को इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। दो बातें हैं इसमें, एक तो सरकारी स्कूलों में जो एजुकेशन है पूरी तरह फ्री है और राइट टू एजुकेशन के तहत 8वीं तक की एजुकेशन फ्री है, लेकिन हरियाणा सरकार ने 12वीं तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर दी और उसमें नए जो स्कूल हैं संस्कृति मॉडल स्कूल भी खुले हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो एक तो ये विकल्प है कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ कोई फीस नहीं है, कोई बुक्स का आपका खर्चा नहीं है, हर चीज़ सरकार की तरफ से निःशुल्क है, उसमें कोई खर्चा नहीं है। दूसरा, कुछ प्राइवेट स्कूलों ने फीस बहुत बढ़ा दी, लेकिन अभी तक जो इस प्रकार का कोई नियम था उनके लिए, एक फार्म 6 है, वो फार्म 6 भर के देना होता है और उसमें बताना होता है कि हम कितनी फीस लेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आई नहीं तो मेरे ख्याल के कभी नहीं है उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब की बार कुछ कहते हैं हमारे पास इस प्रकार की आई कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फीस लगभग डबल कर दी। उसके बाद हमने इसके निर्णय लिया और हम उसके बारे जो नियम है वो बनाने जा रहे हैं और उसमें हम कर रहे हैं कि 8 या 10% काम उस पर विचार कर रहे हैं, 8 या 10% तक ही फीस बढ़ा सकेंगे, इतनी फीस वो बढ़ा नहीं सकेंगे जिस प्रकार से उन्होंने गलत किया। और मैं भी मानता हूँ कि अगर उस स्कूलों ने किया तो उन्हें पुनर्विचार इस पर करना चाहिए कि आज जिस प्रकार की समस्या है अभिभावक की भी समस्या है। देखिए, अगर हमने शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन हरियाणा में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, अगर ये पूरी स्थिति नियंत्रण में रहती है तब स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार की कोई योजना नहीं है स्कूल खोलने की, लेकिन अगर कोरोना का जिस प्रकार से अभी पूरी तरीके से कंट्रोल है, अगर ये इसी प्रकार से चलता है तो जल्दी फिर हम स्कूल खोलने के बारे में विचार करेंगे, लेकिन उसके बारे में हमारा दूसरा मत ये भी है कि हम केंद्र सरकार की ओर भी देख रहे हैं उनका क्या निर्णय होता है, तो उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है। दूसरा, अगर ये स्थिर रहती है इसी प्रकार से पोजिशन तो फिर विशेषज्ञों की राय से इसका निर्णय लिया स्कूल खोल दिया। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने साफ कर दिया है कि ना ही निजी स्कूलों की मनमानी को बख्शा जाएगा और ना ही बच्चों को किसी तरह की परेशानी आने दी जाएगी। साथ ही कोरोना को देखते हुए फिलहाल अभी स्कूलों के खुलने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। यमुनानगर से सुमिता ओबराय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।